साथ हूँ मैं आरजू दुबे और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ उत्तर प्रदेश। नमस्कार, मैं हूँ गार्गी चक्रवर्ती। हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी राउंडअप। हम आपको तेज रफ्तार से दिखाएंगे देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की हर वो हलचल जो आपकी जिंदगी से सीधा जुड़ी हुई है। हम आपको बताएंगे यूपी की सियासत में क्या हो रहा है, तो आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर क्या है सियासी दलों की रणनीति। तो चलिए शुरू करते हैं यूपी राउंडअप। सीएम योगी ने काशी का दौरा कर पीएम मोदी के काशी दौरे की तैयारियों का जायजा लिया है। सीएम योगी ने काशी विश्वनाथ धाम में महादेव के दर्शन कर विधिवत पूजा अर्चना की है, साथ ही अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है और संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। आपको बता दें पीएम मोदी 17 दिसंबर को काशी आएंगे और नमो घाट पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो वहीं पीएम मोदी 18 दिसंबर को सुबह काशी विश्वनाथ धाम में पूजा अर्चना करेंगे और बरकी में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इस जनसभा में 1,00,000 से ज्यादा लोगों के जुटने का अनुमान है। सीएम योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर के दौरे के दौरान गोरखपुर को करीब 12 करोड़ रुपए के क्रूज की सौगात मिली है। इस क्रूज को क्वीन नाम दिया गया है। इस क्रूज में आपको वो सभी सुविधाएं मिलेंगी जो आपको किसी 5-स्टार होटल में मिलती है। सरकार का लक्ष्य गोरखपुर को एक शानदार टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर विकसित करना है। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्षी दल इंडिया गठबंधन के जरिए बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती पेश करने की प्लानिंग कर रहे हैं। ऐसे में इंडिया गठबंधन की अगली बैठक में सीट शेयरिंग का मसला उठ सकता है। यूपी के मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने खास तौर पर स्पष्ट कर दिया है कि इंडिया गठबंधन की बैठक में सीट शेयरिंग पर बातचीत होनी चाहिए। अखिलेश यादव कह चुके हैं कि कांग्रेस को सीट शेयरिंग में पूरा सम्मान दिया जाएगा। साथ ही अखिलेश यादव ने हाल ही में कहा कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला वही होना चाहिए जिस पर पहले बात हुई थी, जिसके मुताबिक गठबंधन में शामिल किसी भी दल के सबसे मजबूत उम्मीदवार को सहयोगी दल अपना समर्थन देंगे। 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी की नजर यूपी के उन 3 करोड़ वोटर्स पर है जिनकी आयु 18 साल से 30 साल के बीच है। बीजेपी का मानना है कि इस आयु वर्ग के लोगों ने बीजेपी सरकार के 2 शासनकाल की नीतियों को देखा है और समझा है। बीजेपी के युवा मोर्चा के सदस्यों को जिम्मेदारी सौंपी जा रही है कि वो नए मतदाताओं के साथ सेल्फी लेकर नमो ऐप पर अपलोड करें। तो वहीं बीजेपी केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों को विकसित भारत एम्बेसडर बना रही है। यूपी में बीजेपी अपने मिशन 80 को सफल बनाने के लिए करीब 2 करोड़ लोगों को विकसित भारत एम्बेसडर बनाएगी। यूपी सरकार युवाओं को स्मार्टफोन बांट रही है। दरअसल स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत सरकार युवाओं को स्मार्टफोन दे रही है। ये स्मार्टफोन यूपी सरकार के उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ रहे 25,00,000 युवाओं को दिए जा रहे हैं। 23 दिसंबर तक योजना के 70% लाभार्थियों को स्मार्टफोन दिए जाने का लक्ष्य बनाया गया है। साथ ही शेष योग्य लाभार्थियों को 21 फरवरी 2024 तक स्मार्टफोन बांटने का लक्ष्य है। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की भव्य प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों शोरों से जारी है। इसी बीच खबर है कि अयोध्या में जगह जगह 25 दिसंबर से 15 मार्च तक भंडारे का आयोजन कर राम भक्तों को निशुल्क भोजन कराया जाएगा। भंडारे के आयोजन के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से खाद्य सामग्री अयोध्या भेजी जा रही है। दूसरी तरफ निर्माण कार्य के बीच अयोध्या के श्री राम एयरपोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। 25 दिसंबर को पीएम मोदी इस एयरपोर्ट का उद्घाटन कर सकते हैं। यूपी में प्राथमिक स्कूलों के सहायक शिक्षण की भर्ती में बीएड की अनिवार्यता खत्म हो सकती है। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने सहायक शिक्षकों की भर्ती में बीएड की योग्यता को हटाने के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी NCTA के पत्र पर जल्द फैसला लेने का आदेश दिया है। दरअसल NCTA ने राज्य सरकारों को 4 सितंबर 2023 को मामले में संबंधित एक पत्र भेजा था और सुप्रीम कोर्ट के देवेश शर्मा मामले में दिए गए फैसलों के आधार पर कार्रवाई करने के लिए कहा था। आपको बता दें इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बीएड को सहायक शिक्षा भर्ती की योग्यता में शामिल करने के NCTA की अधिसूचना को शिक्षा के अधिकार कानून के खिलाफ ठहराया था। 13 दिसंबर को संसद पर हुए हमले के लखनऊ के रहने वाले आरोपी सागर शर्मा का इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड
ललित से सीधा कनेक्शन सामने आ गया है। पुलिस ने आरोपी सागर के घर से उसकी सीक्रेट डायरी बरामद की है। सागर के पिता ने बताया कि सागर इस डायरी में हमेशा कुछ लिखता रहता था। फेसबुक पर अपनी हर पोस्ट में सागर ललित को टैग किया करता था। दोनों करीब 2 साल से एक दूसरे के संपर्क में थे। सागर ने संसद भवन में वारदात को अंजाम देने से एक दिन पहले सुबह करीब 6 बजे इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी पोस्ट की थी और लिखा था कि जीते या हारे पर कोशिश तो जरूरी है। अब देखना यह है कि सफर कितना हसीन होगा। उम्मीद है कि फिर मिलेंगे। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाहिद का मामले में विवादित स्थल के सर्वे का रास्ता साफ हो गया है। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि शाहिद का मामले में कोर्ट की निगरानी में सर्वे करने की बात की थी। हिंदू पक्ष की मांग स्वीकार कर ली गई है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 18 दिसंबर को होगी और कोर्ट इस केस से जुड़े अन्य पहलुओं को भी तय करेगा, जैसा कि विवादित स्थल का सर्वे कौन करेगा, रिपोर्ट कब तक दाखिल करनी होगी। मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने अफजाल अंसारी के गैंगस्टर एक्ट में दोष सिद्धि पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही इलाहाबाद हाई कोर्ट को 30 जून 2024 तक अफजाल के मामले में सुनवाई पूरी कर फैसला सुनाने के लिए भी कहा है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता बहाल होने का रास्ता खुल गया है। दरअसल अफजाल अंसारी साल 2019 लोकसभा चुनाव में गाजीपुर से बीएसपी की टिकट पर जीत दर्ज कर सांसद बने थे। फिर कुछ महीने पहले एक केस में गैंगस्टर एक्ट के तहत एमपी एमएलए कोर्ट ने अफजाल को दोषी ठहराते हुए 4 साल की सजा सुनाई थी, जिसके चलते उनकी संसद की सदस्यता चली गई थी। बांदा में तैनात सिविल जज ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर इच्छा मृत्यु की गुहार लगाई है। दरअसल बाराबंकी में तैनाती के दौरान पीड़ित महिला जज ने बाराबंकी के तत्कालीन जज के खिलाफ मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना के खिलाफ आरोप लगाकर शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन मामले में कार्रवाई ना होने के कारण अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से इच्छा मृत्यु की गुहार लगाई है। पीड़ित जज ने अपने पत्र में लिखा कि मैं इस पत्र को बेहद दर्द और निराशा में लिख रही हूं। इस पत्र के जरिए मेरी कहानी बताना और प्रार्थना करने के अलावा कोई उद्देश्य नहीं है। महोबा में पुलिस की कार्यशैली सवालों के घेरे में आ गई है। दरअसल कबरई थाना के अंदर स्थित मंदिर में चोरी की वारदात सामने आई है। चोर मंदिर में विराजमान राधा कृष्ण की अष्ट धातु की मूर्ति चोरी कर ले गए, साथ ही सिंहासन भी चुरा कर ले गए। जांच में पता चला है कि मंदिर से अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां भी गायब हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। कानपुर के हृदय रोग संस्थान को लेकर एक खास दावा किया गया है। संस्थान का दावा है कि यहां के सभी कर्मचारी और डॉक्टर कभी छुट्टी पर नहीं जाते हैं। दरअसल बीते 10 सालों से लगातार, फिर कोई रविवार हो या कोई बड़ा त्योहार, हृदय रोग संस्थान के डॉक्टर और कर्मचारियों की टीम मरीजों के लिए ओपीडी जांच और सभी संबंधित सुविधाएं रोजाना की तरह जारी रखती है। वरिष्ठ हृदय रोगी विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज कुमार ने बताया कि इस पहल को 10 साल पहले सिर्फ इसलिए शुरू किया गया था कि जरूरतमंदों को प्राइवेट अस्पतालों के चक्कर ना काटने पड़े और दूर दराज इलाकों से आने वाले मरीजों को बेहतर इलाज मिल सके। टीम इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच खेली गई 3 मैचों की T20 सीरीज ड्रॉ पर खत्म हुई है। जोहानिसबर्ग में खेले गए सीरीज के आखिरी और फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए साउथ अफ्रीका को 202 रनों का टारगेट दिया था। टीम इंडिया के लिए जहां कप्तान सूर्य ने शानदार शतक लगाया तो वहीं यशस्वी जायसवाल ने 60 रनों की पारी खेली। दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका की टीम महज 95 रनों पर ऑल आउट हो गई। इस दौरान कुलदीप यादव टीम इंडिया के सबसे कामयाब बॉलर रहे, जिन्होंने 17 रन देकर 5 विकेट झटके। वहीं इस सीरीज में शानदार प्रदर्शन करने वाले कप्तान सूर्या को प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब मिला है। आपने तेज रफ्तार से देखा यूपी राउंडअप। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए श्रेष्ठ उत्तर प्रदेश।